प्लीज मुर्शिद भैया बताइए ना राधा कहाँ है। हेलो हेलो बिटिया, राधा का गेम ओवर हो गया। गेम तो अभी तक शुरू भी नहीं कर पाई मैं, यहाँ एक गाय ने मुझे डरा कर रोक के रखा है। हे प्रभु, अब तो लगता है कि मोहन राधा को ढूंढ ही लेगा। पता नहीं हमारा क्या होगा बिटिया। नहीं माँ, आज तो राधा को कोई नहीं बचा पाएगा, कोई भी नहीं। दरवाजा तो लॉक है, वो ओनर का है। मोहन भैया वो तो लॉक करके कब का चला गया। भगवान से प्रार्थना तो इन लोगों ने की, लेकिन भगवान ने सुनी हमारी। जब तक ये कोल्ड स्टोरेज खुलेगा तब तक तो राधा मर चुकी होगी। ओनर का नंबर तो नहीं है हमारे पास, तो मुझे नहीं लगता कि ये कोल्ड स्टोरेज हम आज खोल पाएंगे। और वैसे भी ये चूहा एंड ऑल, इन पे भरोसा करके तो हम टाइम वेस्ट ही कर रहे हैं ना। हम ऑलरेडी ढूंढ चुके हैं, राधा अंदर नहीं है, फिर दोबारा चेक करने का क्या लॉजिक बनता है। और दूसरी बार देखने में प्रॉब्लम क्या है दामिनी। पर माँ, दामिनी बस ना यार, बात लॉजिक की नहीं, बात विश्वास की। और मेरा दिल कह रहा है कि राधा जो है अंदर ही है। और मुझे राधा तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता।
डूब गई हमारी बिटिया की लुटिया। कुछ नहीं होगा, मर गए हो तो अच्छा। बाल बाल बचे इनके गुस्से से, पर क्या बाल बचेंगे गर्मी से? नारियल से बना पैराशूट एडवांस्ड गोल्ड, जो दे डैमेज से सुरक्षा, नहीं तो सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। देखो दामिनी, अगर ये राधा बच गई ना और उसने तुम्हारा नाम लिया तो याद रखना कि मेरा नाम नहीं आना चाहिए, समझी तुम? अभी तो चुप हो जा। खोलो राधा, राधा आके खोलो ना, राधा प्लीज, राधा राधा उठो ना प्लीज, राधा उठो। राधा मोहन, देखो मैं है ना, तुम्हें लेने आजी, जल्दी से एम्बुलेंस बुलाओ। जी सासू। कोई फायदा नहीं है मोहन,
मर गई है तुम्हारे राधा। राधा राधा तू अरे क्या जबरदस्ती है बाहर। राधा को पता था कि हम यहाँ पर उसके लिए आए हैं, पर वो हमारे पास पहुंच नहीं पाई। वो राधा राधा आगे खोलो राधा प्लीज। राधा राधा तुमने मुझे वचन किया था ना कि तुम कभी मुझे छोड़कर नहीं जाओगी। मैं चाहे जितनी बार तुम्हें मुझसे अलग कर दूं तुम हमेशा वापस आती हो ना। मैं जानता हूं कि तुम जिद्दी हो राधा, तो दिखाओ ना अपनी जिद। देखो अगर तुम चली गई ना तो मैं कसम खाता हूं कभी नहीं मुस्कुराऊंगा, कभी नहीं हंसूंगा मैं। जिंदगी भर तुमसे नाराज रहूंगा मैं। प्लीज राधा प्लीज। कुनकुन को तुम्हारी जरूरत है ना राधा। माँ होना तुम उसकी। एक बार वो अपनी माँ को खो चुकी है राधा। अगर तुम्हें कुछ हो गया ना तो ये बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। हे प्रभु देखो तो सही हमारी राधा बिटिया को क्या हो गया। पूरी जवानी में चली गई है प्रभु। Shut up! मेरी राधा को कुछ नहीं हुआ है, ये ठीक है। राधा की खोलो। राधा। I'm sorry मोहन। पर प्लीज खुद को संभालो। राधा जा चुकी है और अभी कुछ भी करने से वो वापस नहीं आने वाली। और फिर वो राजकुमारी मर गई। कितनी सैड कहानी है राधा, मुझे नहीं सुननी। मोहन जी एक मिनट। हाँ पहली बात हमारी कहानियां कभी भी उदास नहीं होती है। और दूसरी बात ये कि आपने हमें नींद से उठाकर कहानी सुनाने को कहा ताकि आपको नींद आ जाए। अब कुछ भी हो जाए आपको कहानी पूरी सुननी होगी। अच्छा अच्छा ठीक है सुनाओ। आप सुनाओ तुम तो। सुनाओ ना। ठीक है सुनाते हैं। राजकुमारी मरी लेकिन तब भी वो
इतनी खूबसूरत लग रही थी कि क्या कहे। उसके परिवार वालों का ना उसे दफन करने का बिल्कुल भी मन नहीं हुआ, तो इसलिए वो लोगों ने सोचा कि इतनी सुंदर सी राजकुमारी को एक कांच के संदूक में ही बंद कर देते हैं। तभी वहां से एक सुंदर सा राजकुमार जा रहा था। उसने राजकुमारी को देखा, उसने आज से पहले इतनी खूबसूरत लड़की कभी नहीं देखी थी। उसे राजकुमारी को देखते ही प्यार हो गया, पर बाद में उसे पता चला कि राजकुमारी तो मर गई थी। उदास सा राजकुमार उस राजकुमारी के पास गया और फिर राजकुमार ने वो अरे बोलो ना, राजकुमार ने क्या किया? राजकुमारी का चुंबन लिया। क्या लिए? चुंबन लिया। वो चुंबन वो कैसे लेते हैं? वो जो होठों पर लेते हैं ना मोहन जी, वो होठों पर क्या लेते हैं? चुंबन आप तो शायद कुछ ही नहीं जानते। क्या हुआ? होठों पर जो लेते हैं उसे चुंबन कहते हैं। चुंबन मतलब किस? वही चुंबन लेने से कोई वापस आता है क्या? जैसे चुंबन नहीं, कोई इलेक्ट्रिक शॉक हो गया, ये झटका दो और बंदा वापस जिंदा। आपको ऐसा क्यों लगता है कि जिंदा नहीं हो सकता? मोहन जी, प्रेम में इतनी शक्ति होती है कि वो मृत्यु को भी हरा सकती है। बस प्रेम सच्चा होना चाहिए। प्रेम में इतनी शक्ति होती है कि वो मृत्यु को भी हरा सकती है। बस प्रेम सच्चा होना चाहिए। मजबूरी में नहीं, तो भी होगा जब आप हमें पूरे मन से स्वीकार करेंगे। जब हम हमारे राजकुमार को सच में हमसे
प्रेम शौक पता है अगर तुम्हें कुछ हो जाता ना वैसे हो जाता पहुंच तब मोहन साथ है तभी तो गणपति पापा मोर है।